press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर हैरेसमेंट मामला सामने आने के बाद लगातार कई और केस सामने आते जा रहे हैं। इसी बीच फैंटम फिल्म्स की एक एम्प्लॉय ने डायरेक्टर विकास बहल पर किए गए हैरेसमेंट का मुद्दा दोबारा उठाया है। एम्प्लॉय ने आरोप लगाया कि 2015 में फिल्म बॉम्बे वेलवेट का प्रमोशनल टूर गोवा में था, जहां विकास ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। कंगना ने उस लड़की का आरोप सच होने की बात कही। कंगना ने उस एम्प्लॉय के सपोर्ट में एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास और मैं जब 2014 में क्वीन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त वे रोज यही कहते थे कि हर दिन नई लड़की के साथ रिलेशन बनाते हैं। कंगना ने कहा कि जब हम मिलते थे, वह पीछे से मुझे कसकर पकड़ते थे और मेरे बालों को सूंघते थे। उस वक्त मुझे उन्हें हटाने में काफी जोर लगाना पड़ता था। हाल ही में अनुराग कश्यप विकास बहल का कंबाइंड प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स बंद हो चुका है, जिसके बाद विकास पर आरोप का सिलसिला शुरू हुआ। कंगना ने अपने बयान में इस बात का जिक्र भी किया कि उन्होंने कहा विकास अब पावर में नहीं है, लेकिन ऐसे अवसरवादी बयान नहीं होने चाहिए। सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखानी होगी, वरना ये सिर्फ गॉसिप बनकर रह जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.